हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन दी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दी चैप्टर्स। आज हम करेंगे क्लास 9 के बीहाइव बुक का जो सेकंड चैप्टर है दी साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका सेकंड पार्ट दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दिस चैप्टर मैं आपको जरूर कहूंगी कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 जिसमें एक डिसेबल्ड गर्ल के बारे में जिक्र था एवलिन ग्लेनी के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करते हुए म्यूजिकल फील्ड में अपना नाम बनाया, ये फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है, नहीं सुना है तो काइंडली वो जरूर चेक कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा आपको सुनकर और आपको एक तरीके से काफी ज्यादा प्रेरणा भी मिलेगी। तो अब आज हम देखेंगे कि हमारे पास पार्ट 2 में क्या बता रखा है। फिर से मैं एक बार आपको कहूंगी पार्ट 1 जरूर देखिए, आपको पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि बिस्मिल्ला खान भी म्यूजिकल फील्ड में एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। यहां बिफोर यू रीड में आप कुछ फोटोग्राफ्स देख पा रहे हो और देखो सभी के साथ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब आपको यहां पर बता रखे हैं कुछ महान दिग्गज शख्सियतों के बारे में कि ये देखो कि कितने ज्यादा, कितने बड़े और कितने महान एक तरीके से ये लोग हुए हैं जिन्होंने म्यूजिकल फील्ड में अपना अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। तो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में बिस्मिल्ला खान जी के बारे में बताया हुआ है जो कि एक शहनाई वादक थे। यहां आपको पूरे के पूरे चैप्टर के नाम में ही पता चल रहा है। तो देखते हैं कि हमें उनके बारे में इस चैप्टर में और क्या जिक्र है। देखो ये जो फोटोग्राफ है ये बिस्मिल्ला खान जी की फोटोग्राफ है जो आपको यहां पर बता रखी है। थिंक ऑफ दी शहनाई, अगर आप शहनाई के बारे में सोचोगे एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। और पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी, शायद प्रोबेबली मतलब शायद आपके दिमाग में जो पहली बात आएगी, जो पहली चीज आएगी वो या तो किसी शादी का या विवाह का समारोह या उससे मिलता जुलता कोई और फंक्शन या कोई और ओकेजन आपके दिमाग में आएगा। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और उसके next thought जो आपके mind में आएगी वो बिस्मिल्ला खान जी के बारे में आएगी जो कि दी शहनाई माइस्ट्रो थे, मतलब वो एक मास्टर थे, एक दिग्गज थे जिन्होंने शहनाई नामक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दुनिया के सामने पेश किया था। अब देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या बता रखा है। मैं थोड़ा सा हिंट आपको जरूर देना चाहूंगी कि हमें इस चैप्टर में बिस्मिल्ला खान जी के बारे में बताने से पहले शहनाई के बारे में बता रखा है कि शहनाई किस तरीके से डेवलप हुई, फिर उसके बाद हमें बिस्मिल्ला खान जी के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में, किस तरीके से वो एक शहनाई प्ले करने वाले, एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले एक माइस्ट्रो बने हैं, वो भी हमें यहां पर बताया गया है। तो स्टार्ट करेंगे। एम्परर औरंगजेब, अब देखो औरंगजेब नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा। एम्परर औरंगजेब, एम्परर का मतलब होता है राजा या शासक। तो जो औरंगजेब शासक थे बैंड दी प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन दी रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। देखो बैन कर देने का मतलब क्या होता है, रोक लगा देना। और उन्होंने किस चीज पर रोक लगाई थी, उन्होंने संगीत के, म्यूजिक के एक इंस्ट्रूमेंट पर रोक लगाई थी, मतलब म्यूजिक के एक तरीके से वादक पर रोक लगाई थी जिसका नाम पुंगी था। कहां रोक लगाई थी कि रॉयल रेजिडेंस में, मतलब एक तरीके से राजमहल में या राजघराने में ये जो पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट है ये नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा, रीजन भी आपको साथ में बता रखा है, क्योंकि इसकी जो आवाज थी, साउंड मतलब आवाज, इसकी जो आवाज थी वो बहुत ही ज्यादा तीखी थी, मतलब कानों में चुभती सी थी, प्लेजेंट लगने की बजाय वो अनप्लेजेंट लगती थी, मतलब प्यारी नहीं लगती थी, भद्दी लगती थी सुनने में, ठीक है।
अब आगे देखो, आगे आपको क्या बता रखा है, पुंगी बिकेम दी जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। अब देखो रीडेड का मतलब क्या होता है, रीडेड का मतलब होता है हवा के साथ बजने वाले, जैसे हम बांसुरी बजाते हैं उसमें फूक मारी जाती है, होल्स होते हैं ना, रीड्स मतलब होल्स होते हैं ना, बीच में से खाली होती है, शैलो सी होती है, तो एक तरीके से हॉलो सी होती है वो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हवा के जरिए बजाए जाते हैं, जैसे फ्लूट हो गई, मतलब जिसे बांसुरी वगैरह कहा जाता है, तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको, अगर वो शोर मचाने वाले थे, नॉइस मेकर्स थे, उन सब के लिए एक ही नाम यूज किया जाने लगा, मतलब एक ही नाम जो प्रसिद्ध हो गया, लोकप्रिय हो गया, जेनरिक नेम, वो पुंगी हो गया। मतलब पुंगी जो है एक तरीके से शोर बजाने वाली अगर कोई भी चीज होती तो कहा जाता था कि ये पुंगी बजाई जा रही है, ठीक है, इसकी पुंगी बज गई है, सिंपल सी बात। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा था, मतलब कुछ लोगों का ऐसा भी विचार था या मानना था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इसे रिवाइव किया जाएगा। अब देखो रिवाइव भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, हम हमारी क्लोथ वॉशिंग में सुनते हैं ना, रिवाइव नाम की एक प्रोडक्ट हमारे पास आती होती है, तो वो पिंक कलर की बॉटल रिवाइव जो है वो क्या करती होती है, बेसिकली कि जो ओल्ड हैं कपड़े, पुराने हो चुके हैं, फीके हो चुके हैं, उन्हें नया और चमकदार बनाती है, तो एक तरीके से उसमें दोबारा से लाइफ ऐड कर देती है कपड़े में। तो यहां पर भी रिवाइव का मतलब वही है, रिवाइव का मतलब है कि उन लोगों का विचार ये था कि इसी पुंगी को नए तरीके से, एक तरीके से एक समय ऐसे आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इसे दोबारा से जीवित किया जाएगा, एक नए ढंग से पेश किया जाएगा। अब कैसे नए ढंग से ये पेश हुई है ये आपको नेक्स्ट लाइन से ही बता रहे हैं। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, अब बार्बर का मतलब क्या होता है, नाई, तो एक नाई जिसकी जिसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, वो लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, मतलब पेशे से, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, तो पेशेवर संगीतकार थे, मतलब उसकी फैमिली सारी की सारी म्यूजिक की फील्ड में ही थी। हु हैड एक्सेस टू दी रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस का मतलब तो राजमहल हो गया या राजघराना हो गया, रॉयल पैलेस। हु, अब एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच होना, तो एक तरीके से उस बार्बर की जो फैमिली थी उन सबकी पहुंच थी राजघराने तक, और उन्होंने डिसाइड किया टू इम्प्रूव दी टोनल क्वालिटी ऑफ दी पुंगी। अब देखो टोनल क्वालिटी का मतलब क्या होता है, टोनल क्वालिटी का मतलब होता है एक तरीके से कि जो आवाज थी, जो साउंड थी, उसकी क्वालिटी को वो इम्प्रूव करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी को एक तरीके से न्यू शेप देंगे, या उसकी जो आवाज जो कि श्रिल थी, अनप्लेजेंट थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, कुछ उसमें बदलाव लेकर आएंगे, सुधार लेकर आएंगे। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम, अब देखो होलो का मतलब क्या होता है, होलो स्टेम मतलब एक ऐसा नेचुरल तना लिया उसने जो बीच में से खोखला था, होलो था, और उसने उस पाइप को, उस नलकी को एक तरीके से किस फॉर्म में यूज किया, या वो कैसी थी, वो लॉन्गर थी और ब्रॉडर थी देन पुंगी, पुंगी के मुकाबले एक लंबी और सॉरी ब्रॉडर स्टेम ली गई, एक पाइप ली गई, और उसमें क्या किया, एंड मेड सेवन होल्स ऑन दी बॉडी ऑफ दी पाइप, उस पर्टिकुलर पाइप पर, उस नलकी पर क्या किए गए, उसकी बॉडी पर मतलब उसकी ऊपर वाली सतह पर, एक साइड पर सेवन होल्स किए गए, सात उसमें छेद किए गए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उस बार्बर ने इसे बजाया, कैसे बजाया, देखो देखो अगर आपने बांसुरी देखी हो तो बांसुरी कैसे बजती होती है, जब बांसुरी बजाने वाले बांसुरी बजाते हैं तो वो अपनी फिंगर्स भी साथ में मूव करते होते हैं ना, कभी कोई होल बंद करते हैं, कभी ओपन करते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग ट्यून्स प्रोड्यूस होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर हुआ। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ इट्स होल्स, मतलब अपनी उंगलियों से कुछ होल्स खोले जा रहे थे, कुछ बंद किए जा रहे थे, तो ऐसा करने से क्या हो रहा था, एक सॉफ्ट सी मतलब बहुत ही कोमल सी एंड मेलेडियस मतलब बहुत ही मधुर सी एक आवाज क्या हो रही थी, वर प्रोड्यूस्ड, मतलब उसने बहुत ही मधुर सी आवाज प्रोड्यूस की।
ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. अब रॉयल्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से राजा के सामने या राज घराने में या राज दरबार में उसने सबके सामने ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाया. एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और हर कोई क्या हुआ, इम्प्रेस हुआ, मतलब एक तरीके से आकर्षित हुआ, सबने वाह वाही की कि हाँ ये बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बनकर तैयार हुआ है. तो द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये इंस्ट्रूमेंट जो कि पुंगी से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि पुंगी जो साउंड प्रोड्यूस कर रही थी वो बिल्कुल ही प्लेजेंट नहीं थी, अनप्लेजेंट थी, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट ने जो प्रोड्यूस की थी साउंड वो काफी मधुर थी, तो इसलिए इसका एक नया नाम दिया जाना जरूरी था, नामकरण होना जरूरी था. तो एज दी स्टोरी गोज, अब जैसे हमें कहानी में अभी तक बताया गया है कि सिंस, क्योंकि इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन दी शाज चैम्बर. शाज चैम्बर मतलब किंग्स चैम्बर, कि ये राजा के दरबार में सबसे पहली बार बजाई गई थी. और किसके द्वारा बजाई गई थी, एक नाई के द्वारा, यानी कि एक बार्बर के द्वारा. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. तो इसलिए इसका जो फर्स्ट हाफ है वो शाह से लिया गया है और जो सेकेंड हाफ है वो नाई से लिया गया है, तो इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया. तो देखो कुछ ये आपको फोटोग्राफ्स देखने पे पता चल रहा है कि जो पुंगी है वो कुछ इस तरह की दिखती थी और जो शहनाई है वो कुछ इस तरह की दिखती है. ठीक है, अब आगे मूव ऑन करेंगे कि हमें और क्या बता रखा है. अब देखो नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून. फॉर्चून का मतलब एक तरीके से होता है कि जो हमारे लिए अच्छा भविष्य लेकर आए. तो यहां पर बात की जा रही है शहनाई की. तो यहां पर यह कहा गया है आपको कि शहनाई की जो आवाज है उसे एक तरीके से शुभ माना जाने लगा, पवित्र माना जाने लगा, कि जितने भी पवित्र समारोह होंगे वहां पर शहनाई का यूज किया जाएगा. एंड फॉर दिस रीजन, और इसी रीजन की वजह से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है. एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उत्तरी भारत में आज भी वेडिंग्स का इसे एक इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब एक तरीके से जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है, जिसके बिना अधूरा माना जाता है एक तरीके से, कि कोई भी इंडियन वेडिंग, नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो है वो अधूरी मानी जाती है अगर उसमें शहनाई का यूज ना किया जाए. तो ये एक तरीके से इनडिफरेंट पार्ट है, एक इनडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, जिसके बिना अधूरा सा लगता है. अब देखो आगे आपको क्या कह रहे हैं. इन दी पास्ट, कि पहले क्या हुआ करता था, दी शहनाई वॉज दी पार्ट ऑफ दी नौबत और ट्रेडिशनल एंसेंबल. देखो यहां आपको ये बता रखा है यहां पर कि इसे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, इसे एंसेंबल प्रोनाउंस किया जाएगा. दिस इज नॉट एंसेंबल, दिस इज एंसेंबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट. देखो आपने नवरत्न नाम का कंसेप्ट तो सुना ही होगा. तो यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि जितने भी शाही घराने हुआ करते थे पहले, वहां पर भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, बजते थे कोर्ट में, शाही दरबार में, वो नौ इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे बेसिकली. इसलिए नौबत, या आपको यहां पर इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड बेसिकली एंसेंबल के लिए यूज किया गया है, कि जिसे एक ग्रुप में यूज किया जाता है, मतलब जब काफी इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे बजाए जाते थे शाही दरबार में, तो उस वक्त शहनाई भी उन इंस्ट्रूमेंट्स का एक हिस्सा हुआ करती थी. मतलब आउट ऑफ दोज नाइन इंस्ट्रूमेंट्स शहनाई भी एक हिस्सा थी, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट थी. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. मतलब अभी तक की जितनी आपको स्टोरी बताई गई है वहां तक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो शहनाई थी उसे सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स, ये देखो ये सेकेंड लाइन में बताई थी ना आपको यहाँ पे, तो अभी तक टेम्पल्स और वेडिंग्स में, मतलब मंदिरों में या विवाह समारोह में ही इसका यूज किया जाता था. लेकिन The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्ला खान. तो अब देखो, अब बिस्मिल्ला खान जी के बारे में जिक्र आपको आ गया है कि इस इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि शहनाई को, क्लासिकल स्टेज तक, एक तरीके से कहेंगे कि गौरवमयी या एक बहुत ही
बड़े पर्दे पर कह सकते हैं हम कि इसे बड़े पर्दे पर लेकर आने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किसको जाता है? वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। अब देखो, अब आपको बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बता रखा है कि एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर दी पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुमराओ इन बिहार। अब आपको जब वो 5 वर्ष के थे, उस वर्ष का आपको एक यहां पर जिक्र बता रखा है कि जब वो 5 वर्ष के थे उस वक्त बिहार के दुमराओ गांव में वो एक पॉन्ड के किनारे, एक तालाब के किनारे क्या खेला करते थे? गिल्ली डंडा खेला करते थे। आपको पता है कि क्या है वो? ही वुड रेगुलरली गो टू दी नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग दी भोजपुरी चायता, एट दी एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.2 kg, अ प्राइज गिवन बाय दी लोकल महाराजा। अब देखो, अब यहां पर आपको क्या बता रखा है कि उसके बाद क्या हुआ करता था कि जो नजदीक ही बिहारी जी नामक एक टेम्पल हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था, वो रेगुलरली मतलब रोजाना तरीके से ही कह दो कि वो जाते थे और वहां पर ना भोजपुरी फोक सॉन्ग चाहता है वो गाया करते थे। और होता क्या था, एट दी एंड उन्हें अंत में एक बड़ा सा लड्डू गिफ्ट के तौर पर, इनाम के तौर पर मिलता था वहां के लोकल महाराजा के द्वारा, जिसका वजन कितना हुआ करता था? 1.25 kg, मतलब लगभग 1.25 किलो का वो लड्डू हुआ करता था। This happened 80 years ago. अब ये जो कहानी आपको जिस वक्त ये लेसन लिखा गया है उस वक्त के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि ये 80 वर्ष पहले हुआ था। And the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratan. मतलब वो 5 वर्ष का नन्ना सा बालक जो बिस्मिल्लाह खान जी थे, वो अब 80 ईयर्स, मतलब जिस वक्त ये लेसन लिखा गया था उस वक्त लगभग 80 ईयर्स के हो चुके थे। तो यहां आपको बता रखा है कि इतने सालों के दौरान, लगभग 75 to 80 ईयर्स के दौरान, उस छोटे से बच्चे ने बहुत लंबा सफर एक तरीके से तय कर लिया है। और कहां तक पहुंच गए थे? वहां उस मुकाम तक पहुंच गए थे जहां पर उन्हें इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया था, यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया था। अब देखते हैं कि आपको आगे और क्या बता रखा है। Born on 21 March 1916. अब आपको यहां पर बिस्मिल्लाह खान जी की बर्थ डेट बता रखी है कि उनका जन्म कब हुआ था। Belongs to a well known family of musicians from बिहार, मतलब बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकारों की फैमिली से, परिवार से वो बिलोंग करते थे। His grandfather रसूल बख्श खान वॉज दी शहनाई नवाज ऑफ दी भोजपुर किंग्स कोर्ट, मतलब वो भोजपुर के राजा के दरबार में एक तरीके से बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर माने जाते थे। कौन माने जाते थे? उनके ग्रैंडफादर, यानी कि दादाजी, जिनका नाम था रसूल बख्श खान। हिज फादर, अब बिस्मिल्लाह खान जी के फादर के बारे में भी आपको जिक्र क्या दे रखा है कि पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स। देखो, अब आपको इतना तो पता ही होगा ना कि फादर की फैमिली मेंबर्स को पैटर्नल बोला जाता है और मदर की साइड वाले जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए मैटर्नल वर्ड यूज किया जाता है। तो आपको यहां पर उनके फादर के, यहां फादर का जिक्र है ना, तो उनके फादर के फैमिली में, मतलब चाचा जी हो गए या ताया जी हो गए या और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका जिक्र किया जा रहा है कि लगभग, मतलब वो सारे के सारे ही बहुत ही बढ़िया शहनाई प्लेयर, यानी कि शहनाई बजाने वाले, शहनाई वादक हुए हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमें और क्या बता रखा है। एक चीज मैं और यहां पर जरूर बताना चाहूंगी कि एंसेस्टर्स का क्या मतलब होता है। देखो, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, कि जो हमारे पेरेंट्स से भी पहले जो हमारे और फोर फादर्स थे और उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उन्हें हम एंसेस्टर्स बोलते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इसका मतलब है कि उन्होंने संगीत में जो रुचि है वो बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में दिखाना शुरू कर दिया था, या यूं कह लो कि उन्होंने संगीत को बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में अपना लिया था। एट दी एज ऑफ 3, जब महज वो 3 वर्षों के थे, वेन हिज मदर
took him to his maternal uncle's house. अब देखो maternal uncle का मतलब क्या होता है, मामा जी. अगर हम सिंपल अंकल बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, चाचा जी या ताया जी. लेकिन अगर हम मैटर्नल वर्ड आगे लगाएंगे, तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि मदर की फैमिली मेंबर्स के नाम के आगे मैटर्नल वर्ड यूज होता है. तो एट द एज ऑफ थ्री, जब वो 3 वर्षों के थे, तो उनकी माता जी उन्हें अपने साथ मामा जी के घर लेकर गई थी. और वो घर कहाँ था, बनारस में, जिसे आजकल वाराणसी कहा जाता है. बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस दी शहनाई. तो उस वक्त बिस्मिल्ला खान जी काफी फैसिनेट हुए थे, मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट हुए थे, आकर्षित हुए थे, जब उन्होंने अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए, शहनाई पर एक तरीके से प्रशिक्षण करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए, अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करते हुए देखा था. सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू दी विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले दी शहनाई. तो बहुत ही जल्दी बिस्मिल्ला खान जी ने अपने अंकल अली बख्श का साथ देना शुरू कर दिया, मतलब वो भी उनके साथ जाना शुरू कर गए. कहाँ जाते थे दोनों, विष्णु टेम्पल मतलब मंदिर में जाते थे बनारस में, जो कि विष्णु मंदिर था. और वहां पर बख्श जो थे, मतलब अली बख्श जो थे, एक तरीके से वो वहां पर काम करते थे. क्या काम करते थे, शहनाई बजाने का ही काम करते थे. ठीक है, अली बख्श वुड प्ले दी शहनाई. अब होता क्या था वहां पर उस वक्त, कि जो अली बख्श थे वो तो मंदिर में शहनाई बजाते थे, एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन दी एंड, मतलब और बिस्मिल्ला जी क्या करते थे, कई घंटों उनकी द्वारा बजाई जाने वाली उस शहनाई को सुनते रहते थे, और कैप्टिवेटेड मतलब एक तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाते थे, खो जाते थे, इतनी सुंदर आवाज प्रतीत होती थी. स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग lessons इन प्लेइंग दी इंस्ट्रूमेंट, मतलब धीरे धीरे उन्हें भी, बिस्मिल्ला खान जी को भी प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया. ठीक है, कि किस तरह से शहनाई बजानी है. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट दी डे, और वो बैठे रहते थे सारा दिन, प्रैक्टिस करते रहते होते थे सारा दिन, अपनी तरफ से तैयारी करते रहते होते थे कि किस तरीके से शहनाई को बजाया जाता है. फॉर ईयर्स टू कम दी टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मांगला मैया एंड दी बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम दी यंग अप्रेंटाइस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. देखो सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, ठीक है, और हॉन्ट का मतलब है एक तरीके से, यहां पर हम कह सकते हैं फेवरेट हॉन्ट का मतलब फेवरेट स्पॉट, फेवरेट जगह कौन सी थी जो उस यंग अप्रेंटाइस, ये बिस्मिल्ला खान जी के लिए ही यूज किया गया है. अप्रेंटाइस वो होता है जो किसी के अंडर प्रशिक्षण लेता है, ठीक है, जो किसी के अंडर ट्रेनिंग लेता है. तो यहां पर जो बिस्मिल्ला खान जी हैं वो किसके अंडर ट्रेनिंग ले रहे थे, अपने मामा जी के अंडर ट्रेनिंग ले रहे थे ना. तो आने वाले कुछ वर्षों में, फॉर इयर्स टू कम मतलब कुछ सालों तक, अब वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते रहे. और प्रैक्टिस करने के लिए एकांत जगह या उनकी जो फेवरेट जगह हुआ करती थी वो कौन कौन सी हुआ करती थी, या तो वो बालाजी का मंदिर हुआ करता था, या मांगला मैया का मंदिर हुआ करता था, या गंगा के तट के किनारे वो प्रैक्टिस किया करते थे. ऐसा क्यों करते थे, आगे आपको बता रखा है, दी फ्लोइंग वाटर्स ऑफ दी गंगा, गंगा नदी में जो बहता हुआ पानी था वो उन्हें इंस्पायर करता था, वो उन्हें प्रेरणा देता था हिम टू इम्प्रोवाइज, मतलब और ज्यादा इम्प्रूव करें, और ज्यादा इम्प्रूव करें. एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ दी शहनाई. जैसे हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो क्या करते थे, वो शहनाई पर अलग अलग राग ज्यादा और मतलब इन्वेंट करते थे, खोज करते थे कि क्या ये धुन भी शहनाई पर बजाई जा सकती है, क्या ये धुन भी शहनाई पर बजाई जा सकती है. तो इस तरह से वो नए नए राग की खोज करते थे. अब देखो आगे आपको क्या बता रखा है, एट दी एज ऑफ 14 जब वो 14 वर्ष के हुए, बिस्मिल्ला अकम्पेंड, फिर से देखो अकम्पनिंग यहां था और फिर से देखो अकम्पेंड, मैंने यहां आपको क्या बताया था, साथ देना. तो बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the Allahabad music conference, मतलब अब अलाहाबाद में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संगीत का समारोह आयोजित हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, वहां पर बिस्मिल्ला जी अपने अंकल के साथ गए थे.
एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, मतलब एक तरीके से जब उन्होंने उनकी बारी आ गई, जब उन्होंने जो रेसिटेशन करना था, जो अपनी म्यूजिक प्ले करना था, जब वो प्ले कर दिया तो क्या हुआ, उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, मतलब उन्होंने पीठ थपथपाई एंड सेड, और क्या कहा उस्ताद जी ने, फैज खान जी ने, वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, मतलब मेहनत करो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक, मतलब पहली बार बड़ा मौका। वैसे ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, लेकिन यहां पर बिग ब्रेक का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा मौका जो बिस्मिल्ला जी को मिला पहली बार। वो कब मिला, जब एयर यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई लखनऊ में 1938 में। ही सून बिकेम एंड ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, बहुत ही जल्द मतलब कुछ ही समय में वो रेडियो के जरिए सुना जाने वाला शहनाई प्लेयर बन गए, मतलब बहुत बार लोग बार बार मतलब उनके द्वारा बजाई जाने वाली शहनाई रेडियो पर सुनने लगे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब भारत को आजादी मिली थी, कब मिली थी, 15 अगस्त 1947, ठीक है, 1947, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्ला खान जी पहले ऐसे इंडियन बने थे जिन्होंने अपनी शहनाई के जरिए इस खुशी को जाहिर किया था, एक तरीके से देश की मिली हुई आजादी को नमन किया था। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन टू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। अब देखो यहां पर आपको क्या बता रखा है कि उन्होंने एक तरीके से क्या किया था, एक तरीके से ना अपना दिल खोलकर रख दिया था इस शहनाई के जरिए। उन्होंने राग काफी प्रोड्यूस किया, शहनाई के जरिए बजाया, और वो कहां पर बजाया था, लाल किले में बजाया था, जहां पर सुनने वालों में ऑडियंस में कौन मौजूद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, जिन्होंने बाद में उनके द्वारा दी हुई बहुत ही फेमस स्पीच जिसे ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य और ट्राइस्ट का मतलब होता है एक तरीके से समझौता करना। तो उन्होंने भाग्य के साथ समझौता नामक, मतलब क्या क्या हम हमारी डेस्टिनी के जरिए हासिल कर सकते हैं, या समझौता हमें कई बार करना पड़ता है अपनी लाइफ में, उस इस तरह की एक स्पीच, एंटाइटल्ड स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो बिस्मिल्ला खान जी के द्वारा शहनाई प्ले की गई थी रेड फोर्ट में, उसका जिक्र बाद में किया था। अब देखो अब आगे आपको क्या बता रखा है। बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज, मेमोरेबल मतलब यादगार। तो बिस्मिल्ला खान जी ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेज दी हैं, मतलब इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, ना सिर्फ इंडिया में, भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी उन्होंने काफी ज्यादा परफॉर्मेंसेज दी हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, उनका जो पहला ट्रिप था जो बाहर विदेश में जाकर उन्होंने शहनाई प्ले की थी, वो की थी सबसे पहले अफगानिस्तान में, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स एंड अदर सॉवरनेस। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूजिक, नेक्स्ट आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम यहां का डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले वो अफगानिस्तान गए थे, जहां पर जो राजा जाहिर शाह थे वो इस माइस्ट्रो मतलब इन दिग्गज के द्वारा, बिस्मिल्ला खान जी के द्वारा इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे, टेकन इन हो गए थे, एक तरीके से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने, ये देखो टेकन इन बाय का मतलब आपको दे रखा है, ये फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, आपको यहां मतलब बता रखा है अट्रैक्ट होना या चार्म्ड बाय होना, एक तरीके से मंत्रमुग्ध होना, आकर्षित होना। तो इनके द्वारा आकर्षित हुए और इन्हें क्या गिफ्ट किया, इन्हें एक तरीके से प्राइसलेस मतलब बेशकीमती पर्शिया के बने हुए कुछ मैट्स या कारपेट्स गिफ्ट किए, और अदर सॉवरन्स मतलब गिवन इन दी मेमोरी ऑफ प्लेस पर्सन और इवेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि स्टैचूज गिफ्ट की जाती होती हैं,
तो उस तरीके का कुछ मोमेंटो जो है वो उनको गिफ्ट किए गए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली, सिर्फ जो अफगानिस्तान के राजा थे वही एक अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्ला खान जी के म्यूजिक की तरफ आकर्षित हुए थे, बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट हैं वो भी इतने इम्प्रेस हुए थे कि बिस्मिल्ला जी को बजाते हुए एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पर, त्योहार पर, जब उन्होंने शहनाई उनके द्वारा सुनी तो उन्होंने अपनी एक मूवी भी क्रिएट की, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम उन्होंने इसी इंस्ट्रूमेंट के बाद में ही लिखा, मतलब इसी पर बेस्ड लिखा, और उस मूवी का नाम क्या था, गूंज उठी शहनाई। देखते हैं आगे हमें और क्या बता रखा है। दी फिल्म वॉज हिट, मतलब दी फिल्म वॉज हिट, काफी मशहूर हुई फिल्म जो थी वो काफी ज्यादा हिट रही। एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कॉम्पोजिशन, मतलब और बिस्मिल्ला खान जी के द्वारा जो एक कॉम्पोजिशन, एक म्यूजिक कॉम्पोजिशन कंपोज की गई थी, जिसके कुछ वर्डिंग्स आपको यहाँ पर लिरिक्स बता रखे हैं, दिल का खिलौना है टूट गया, दिस टर्नड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब एक तरीके से पूरे के पूरे देश में उसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, इतना बड़ा वो हिट हुई थी मूवी, और इतनी बड़ी ये कॉम्पोजिशन जो बिस्मिल्ला खान जी ने दी थी वो हिट हुई थी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन दी सेलुलॉयड वर्ल्ड, मतलब उस वक्त का जो हम एक तरीके से सिनेरियो कहें, क्योंकि उस वक्त देश में काफी पिछड़ापन था, तो एक तरीके से उस ओल्ड फैशन वर्ल्ड में भी जो बिस्मिल्ला खान जी की कॉम्पोजिशन थी उसने काफी ज्यादा ग्रेट सक्सेस हासिल की थी, काफी ज्यादा वो एक तरीके से फेमस हो गए थे। बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादी अपन्ना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। अब इनको बहुत ही ध्यान से समझिए कि ये क्या बता रखे हैं, कि चाहे उन्हें बहुत बड़ी सक्सेस हासिल हो गई थी, लेकिन फिर भी बिस्मिल्ला खान जी का जो इंटरेस्ट था, एक तरीके से जो रुझान था फिल्म में या म्यूजिक वर्ल्ड इंडस्ट्री में, मूवीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ दो मूवीज तक ही सीमित रहा। एक तो विजय भट्ट जी के द्वारा जो गूंज उठी शहनाई में उन्होंने कॉम्पोजिशन दिया था वो, और दूसरी साइड पर इसी मूवी का एक कन्नड़ वर्जन भी जो आया था, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कन्नड़ में भी एक मूवी आई थी जिसे सनाधी अपन्ना कहा गया है, मूवी का नेम आपको दे रखा है, विक्रम श्रीनिवास के द्वारा ये मूवी आई थी, इसमें उनकी तरफ से एक योगदान था। अब बिस्मिल्ला खान जी ने एम्फेसिस देकर, मतलब जोर देकर आपको क्या बता रखा है यहां पर, कि वो उनका ये मानना था कि मैं अपने आप को जो मूवीज वर्ल्ड में सब आर्टिफिशियल सा होता है, मतलब रियल रियलिटी कुछ नहीं होती है, नकलीपन सा जो है, या एक तरीके से जो मूवीज वर्ल्ड की, फिल्म वर्ल्ड का जो एक ग्लैमर चकाचौंध है, तो मतलब वो कहते कि मैं अपने आप को यहां तक सीमित नहीं रख सकता हूं, तो इसलिए इन दो वेंचर्स के अलावा, वेंचर का मतलब वैसे तो देखो यहां पर आपको बता रखा है कि वो प्रोजेक्ट जिसमें रिस्क हो, अब देखो मूवीज में रिस्क होता है ना कि मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो इसलिए मूवीज क्या है, एक तरीके का एक वेंचर है अगर हम इसे कॉमर्शियल लैंग्वेज में बात करें तो। लेकिन अगर मैं यहां पर आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो यहां पर मैं सिंपल सा यही कहूंगी कि बिस्मिल्ला खान जी के द्वारा जो मूवीज में या फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया गया था वो सिर्फ इन दो मूवीज में ही दिखाया गया था, इनके अलावा और नहीं दिखाया गया था। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब उन्हें बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, मान्यताएं मिली हैं, और बहुत ही जल्दी मिली हैं उनकी लाइफ में। वो बहुत ही छोटे थे ना, उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में ही म्यूजिक की फील्ड में एंटर कर लिया था, तो बिस्मिल्ला खान बिकेम दी फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट दी प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर से उनके एब्रॉड के एक ट्रिप के बारे में, एब्रॉड में भी उन्हें
एक परफॉर्मेंस देने के लिए जो बुलाया गया था लिंकन सेंटर हॉल में, यहां पर उसका एक जिक्र किया गया है आपके लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन दी वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन दी कैनेज आर्ट फेस्टिवल एंड इन दी ओसाका ट्रेड फेयर। फिर से ये आपको इंटरनेशनल लेवल की दो उनकी विजिट्स के बारे में बता रखा है कि उन्होंने किस तरीके से ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना कितना नेम एंड फेम बनाया है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब इतने ज्यादा वो इंटरनेशनल लेवल पर वेल नोन मतलब फेमस हो गए थे कि उनके नाम पर ही तेहरान में एक ऑडिटोरियम मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एक हॉल का नेम। ऑडिटोरियम का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो थ्रेटिकल जगह वगैरह जहां पर कुछ भी मतलब कोई भी फंक्शन या कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट किए जाते हैं। इस एक नॉर्मल सी बात अगर मैं कहूं तो अगर आपके स्कूल में कोई हॉल बना हुआ हो जहां पर अगर स्कूल के फंक्शंस वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं तो वो स्कूल का ऑडिटोरियम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि तेहरान में उनके नेम के बेसिस पर तहर मोसिक उस्ताद बिस्मिल्ला खान नामक ये ऑडिटोरियम बनाया गया। अब देखते हैं कि हमें आगे क्या बता रखा है। नेशनल अवार्ड्स लाइक दी पद्मश्री दी पद्म भूषण एंड दी पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। मतलब उन्हें और किन किन अवार्ड्स से नवाजा गया है, उनकी झोली में और कौन कौन से नेम फेम आए हैं। कन्फर्ड का मतलब क्या होता है, गिवन, वर गिवन ऑन हिम, गिवन टू हिम या गिवन ऑन हिम, यूजुअली एन अवार्ड और डिग्री। मतलब उन्हें और किन किन अवार्ड्स से नवाजा गया है वो नाम आपको यहां पर और बता रखे हैं। इन 2001, अब देखो इसका जिक्र पहले भी आया था ना, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जब वो 80 इयर्स वाली लाइन हमने पढ़ी थी, तो यहां पर आपको फिर से जिक्र किया गया है कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी को भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था जिसे भारत रत्न कहा जाता है, विद दी कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, All I would like to say is teach your children music. That is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. देखो with the coveted award. Coveted award का मतलब क्या होता है, देखो यहां आपको word meaning बता रखा है, much desired. कुछ ऐसे अवार्ड्स होते हैं ना कि जहां हम कुछ ऐसे मुकाम अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, तो भारत रत्न तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो एक तरीके से कि एक ऐसा अवार्ड जिसकी वो बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अवार्ड जब उनकी छाती पर लगा हुआ था, वो बैच, वो अवार्ड जब उनके साथ उनके नाम के साथ जुड़ गया था, तो एक तरीके से आंखें भर आई या आंखों में एक जो चमक, जो रेयर हैप्पीनेस, जो कभी खुशी पहले नहीं देखने को मिली थी, अब जो उनकी आंखों में झलक रही थी, वो खुशी के जरिए और वो खुशी को ही अपने मन में रखते हुए उन्होंने क्या शब्द व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाइए, क्योंकि ये भारत का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, एक तरीके से रिच परंपरा है, जिसे सीखने के लिए मतलब हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए इवन वेस्टर्न कंट्रीज के भी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के भी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो जब फॉरेन कंट्रीज के इंटरेस्ट लोग दिखा रहे हैं, तो हमारे खुद के इंडिया के चिल्ड्रन को भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तो इस तरह का विचार उनका था। अब देखो आगे हमें और क्या बता रहे हैं। In spite of having travelled all over the world, चाहे उन्होंने लगभग सारी दुनिया घूम ली थी, खान साहब as he is fondly called, मतलब जैसे प्यार से या उन्हें एक तरीके से निकनेम की फॉर्म में कहा जाता था, बुलाया जाता था खान साहब कहकर, is exceedingly fond of, exceedingly मतलब कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से उन्हें किस चीज से प्यार था या उनका झुकाव या उनका रुझान किस तरफ था, बनारस की तरफ
और दुमरौन की तरफ, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो बर्थ टाउन होता है वो हमेशा हमारी लाइफ का सबसे फेवरेट टाउन रहता है, फेवरेट प्लेस रहता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बिस्मिल्ला खान जी के बारे में हमें यहां पर कहा गया है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वॉन्टेड हिम टू हेड अ शेनाई स्कूल इन द यूएसए। उनका ही एक शिष्य जो है, जो कि यूएसए में सेटल्ड था, उसने एक बार अपनी इच्छा भी जाहिर की थी कि बिस्मिल्ला खान जी को उनके द्वारा वहां यूएसए में बनाए गए, स्थापित किए गए स्कूल का हेड बनाया जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लीकेटिंग द टेम्पल्स देयर। रेप्लीकेटिंग का मतलब होता है हूबहू, बिल्कुल उसी तरीके के टेम्पल्स जो बनारस में मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह की कॉपी वो कहता था कि मैं वहां पर भी तैयार करवा दूंगा, रिक्रिएट करवा दूंगा। उसने इतना भी प्रॉमिस कर दिया था, बट लेकिन खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब ने उसे पूछा इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्योंकि देखो उन्हें गंगा नदी से भी बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। तो उसने कहा कि अगर तुम गंगा नदी को भी वहां लेकर जा सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। तो यहां फिर से देखो कितनी पैट्रियोटिक फीलिंग दिखाई दे रही है, देशभक्ति भावना दिखाई दे रही है यहां पर उनकी, कि उन्हें अपने देश से, देश के स्थान से कितना ज्यादा प्यार था। लेटर ही रिमेम्बर टू हैव सेड दैट्स वाई वेन एवर आई एम इन दी फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। मतलब अब बाद में हमें याद है कि उन्होंने क्या कहा था, या इस बात के लिए उन्हें याद किया जाता है कि वो ये कहा करते थे कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में, कहीं विदेश गया होता हूं, तो मुझे किस चीज की याद आती रहती है, एक तरीके से यर्न करना, मतलब मैं किस चीज को मिस करता हूं, मुझे ये याद आता है या मिस करता है कि मैं कब जाऊंगा और हिंदुस्तान देखूंगा। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। और जब मैं इवन मुंबई में भी होता हूं तब मुझे क्या याद आती है, अपने एक तरीके से जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की थी शहनाई को लेकर, बनारस की और पवित्र नदी गंगा की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस, और जब वो बनारस में होते हैं, आई मिस दी यूनिक मठ ऑफ दुमराव। मतलब एक तरीके से अब जब वो बनारस में होते हैं तब उन्हें क्या याद आता है, वो क्या मिस करते हैं, जहां पर उनका बर्थ हुआ था दुमराव में, यानी कि बिहार की जो एक पर्टिकुलर जगह है वहां वो उसे मिस करते हैं, वहां के मठ को वो मिस करते हैं। तो यहां इन लास्ट लाइन्स में आपको क्या बताया गया है, इस पेज की लास्ट लाइन्स में, कि वो कितना हिंदुस्तान से, इंडिया से और इंडियन प्लेसेस से कितना ज्यादा एक तरीके से अटैच्ड थे। अब देखो आगे आपको लास्ट पैराग्राफ में एक क्या बता रहे हैं, कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दी रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बिस्मिल्ला खान जी की जिंदगी भारत के कल्चरल हेरिटेज की, मतलब एक तरीके से जो संस्कृति हमें विरासत में मिली है, जो हम कहते हैं ना कि हमारी कंट्री जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि हमारी कंट्री के खुद कुछ कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं। तो एक तरीके से बिस्मिल्ला खान जी की जो लाइफ है वो हमारी, हमें विरासत में मिली हुई संस्कृति की एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। किस तरह से है वो भी आपको देख रहे हैं, बता रहे हैं आगे। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, मतलब कोई भी बिना किसी संदेह के, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास किए इस बात को मान सकता है, मतलब इनकार नहीं कर सकता है, किसी को संदेह नहीं होगा इस बात में, दैट अ डिवोट मुस्लिम। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मुस्लिम थे ना वो, खान लगा हुआ है ना उनके नाम में। अब डिवोट का मतलब क्या होता है वो देखो यहां पर आपको दिया हुआ है, बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग law its laws and following its practices, मतलब एक उसे हम डिवोटी कहते हैं एक तरीके से, कि जो अपने धर्म में पूरा का पूरा बिलीव करता हो, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस मानता हो। तो चाहे वो धर्म से मुस्लिम थे लेकिन देखो क्या करते थे वो, लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। कहां जाकर वो शहनाई बजा रहे थे, वो एक मंदिर में,
काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर नेचुरली मतलब अपने आप उनके अंदर से संगीत निकलता था और वो शहनाई बजाते थे। तो वो कितनी परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भारत जो है वो कितना सुख और समृद्ध देश हुआ करता था उस वक्त, मतलब किसी तरह का धर्म के बेसिस पर कोई पक्षपात नहीं हुआ करता था। अब देखो आगे हमारे पास क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा हमें हिंट दे रखा है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। तो 21 अगस्त 2006 में उनका देहांत हो गया था, वो 90 वर्ष के थे उस वक्त। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, मतलब एक तरीके से फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, मतलब राष्ट्रीय सम्मान के साथ, फ्यूनरल का मतलब होता है एक तरीके से अंतिम संस्कार, और स्टेट फ्यूनरल का मतलब होता है कि जब आपको पूरा का पूरा राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है। तो ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब एक तरीके से मॉर्निंग मतलब राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर उन्हें एक शोक व्यक्त करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं मौन के लिए या शोक के तौर पर एक दिन की छुट्टी भी डिक्लेयर की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मुझे उम्मीद है कि जो इस चैप्टर की, इस साउंड ऑफ द म्यूजिक के दोनों पार्ट्स की मैंने जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, प्लीज अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए कि आपको किस तरह की लग रही हैं वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।